पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो को पसंद नहीं आए तब पर भी लाइक कर दीजिएगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है थक लाइफ मीम ट्यूटोरियल वीडियो एडिटिंग कैसे करें। दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। दोस्तों, इसको पहले फर्स्ट आपको एक वीडियो होना चाहिए जहाँ पे थक लाइफ का एक्शन हो, और सेकंड में जो चाहिए थक लाइफ पीएनजी इमेजेस। जी, इमेजेस कैसे डाउनलोड करें दोस्तों? सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में जाइए दोस्तों, टाइप कीजिए www.thuglife.png.com, लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद आप लोग का पीएनजी आ जाएगा दोस्तों। अभी देखिए पीएनजी आ गया दोस्तों। अगर दोस्तों पीएनजी नहीं आता है दोस्तों, अगर कोई भी इमेज को आप डाउनलोड करके दोस्तों उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो दोस्तों। उसका वेबसाइट है www.removebg, लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद आप इमेज को अपलोड करके बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो दोस्तों ऐसा रिमूव कर सकते हो। अभी आते हैं मेन टॉपिक पे। अभी मैंने काइन मास्टर ओपन कर दिया है दोस्तों। जो वीडियो आपको बनाना है वो यहाँ से डाउन इंपोर्ट कर लीजिए दोस्तों ये वीडियो मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया दोस्तों ये वीडियो इंपोर्ट कर लिया है दोस्तों अब देखते हैं जो फालतू का चीज़ें है वो मुझे जो नहीं चाहिए उसको मैंने यहाँ से कट कर दिया दोस्तों। ये मैंने लेफ्ट कर दिया दोस्तों। और अभी सुनते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरा डायलॉग ख़त्म हो गया दोस्तों। जो डायलॉग जहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों यहाँ पे मैं एक स्प्लिट कर देता हूँ दोस्तों। ऐसा स्प्लिट कर दिया दोस्तों। और जो इमेजेस जैसे आपको अच्छा लगे जो आपको अच्छा लगे उसको आप दोस्तों क्योंकि मुझे ये थोड़ा मुझे अच्छा दिखा क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ से। इसको यहाँ से क्लिक कर दिए स्क्रीनशॉट कैप्सा एट एंड क्लिप पे आप क्लिक कर दीजिए दोस्तों। और नहीं दोस्तों, गलती से यहाँ आ गया। और मुझे ये चीज़ जो स्क्रीनशॉट लिया है इसको थोड़ा सा होल्ड डाउन करना, होल्ड करके आप यहाँ लगा सकते हो दोस्तों। और दोस्तों जो फालतू का चीज़ें है दोस्तों जो मुझे नहीं चाहिए यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया दोस्तों एक बार प्ले करके देखते हैं दोस्तों। प्ले करके देख रहा हूँ दोस्तों, अभी जो स्क्रीनशॉट लिया था वो पीछे आ गया दोस्तों। देख लीजिए, इसको फिल्टर करना है दोस्तों क्योंकि थोड़ा अलग देखना है, क्योंकि थक लाइफ में थोड़ा जो लास्ट में है वो थोड़ा अलग ही देखना चाहिए दोस्तों। इसके लिए मैंने इसको दोस्तों कलर थोड़ा डिफरेंट कर दिया दोस्तों। आप कोई सा भी लगा सकते हो दोस्तों, मैंने इसको लगा दिया है दोस्तों, इसको मैंने लगा दिया है दोस्तों। और जो हम लोग को लेयर में जाना दोस्तों, लेयर में जाके जो तीन चीज़ें मैं बताया था दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा है दोस्तों। इसको मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दिया दोस्तों। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, बहुत सिंपल है दोस्तों, इजी है, बहुत करने में बहुत इजी है। आप लोग को दिखाने के लिए बस मैं कर रहा हूँ, अच्छा से नहीं बना रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ से और एक ले लीजिए, मैंने सिगार को लिया दोस्तों। मैंने इसको क्रॉप कर देता हूँ क्योंकि इसको मैं पीडीएफ फाइल नहीं मिला था दोस्तों, मैंने खुद इसको रिमूव किया है दोस्तों बैकग्राउंड। तो दोस्तों पीडीएफ नहीं मिला इसके लिए, इसको मैंने खुद रिमूव किया, इसके लिए थोड़ा ऐसा करना है दोस्तों। और इसको यहाँ पे पोजीशन में लगा देना है, इसको ऐसा लगा देना है दोस्तों। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से ऐसा और एक चश्मा,
भी आप ऐसा क्रॉप कर सकते हो। तो क्रॉप करने में क्या है दोस्तों, आप लोग को लगाने के लिए इजी रहता है दोस्तों। तो मैंने इसको क्रॉप कर दिया दोस्तों। और दोस्तों मेरा खुद का ये वीडियो था, मैं इसके लिए मेरा थोड़ा फेस छोटा दिख रहा है, तो इसके लिए ये कोई भी डायलॉग नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई कॉमेडी नहीं है। फिर जो आप लोग को जहाँ पे ऐसा कॉमेडी वाला जो वीडियो, जो थक लाइफ वाला जो जहाँ वीडियो फुटेज है, वहाँ पे आप लोग ऐसा लगा सकते हो दोस्तों। मैंने इसको यहाँ पे सेटिंग कर दिया दोस्तों। और दोस्तों एनिमेट कैसे करना, थोड़ा अभी ध्यान देने का दोस्तों, ये भी इतना हार्ड नहीं है दोस्तों, इजी है, क्योंकि हम लोग को अभी एनिमेट करना है दोस्तों। मैंने इसको बीच में से दोस्तों यहाँ पे टाइमर पे क्लिक कर दिया दोस्तों। क्लिक करने के बाद क्या होगा, थोड़ा पर्पल कलर में चेंज हो गया दोस्तों, देखिए चेंज हो गया। और इधर मैंने एरो मार्क कर दिया बीच में, ये मैंने इसलिए किया कि क्योंकि अभी मुझे एनिमेट करना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आगे आ गया दोस्तों। और कोई सा भी लेयर पे आप लेयर बराबर करना दोस्तों, तीनों तीन लेयर मैंने लिया है, तीनों मैंने बराबर कर दिया है दोस्तों। और आप कोई से भी लेयर पे क्लिक करके दोस्तों, अभी दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको इधर क्लिक करना है दोस्तों। और यहाँ से ऐसा लेके दोस्तों, जहाँ पे मैंने एरो किया था दोस्तों, यहाँ इसको प्लस आइकन में दबा दीजिए दोस्तों। और उसके बाद जो लेयर आपने सेलेक्ट किया, डायरेक्ट आगे आने का दोस्तों, अपना मेन पोजिशन में आने का दोस्तों। आने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा ऐसा आप करके थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, और थोड़ा ऐसा घुमा भी दीजिए ऐसा दोस्तों, ऐसा घुमा दीजिए और थोड़ा सा इसको ऐसा बड़ा कर दीजिए दोस्तों। अभी देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अभी दोस्तों देखिए डायरेक्ट ऐसा आ गया दोस्तों, दोस्तों आप चला के देख सकते हो दोस्तों, दोस्तों ऐसा डायरेक्ट ऐसा आ गया दोस्तों दोस्तों। और दोस्तों दूसरा लेयर पे सिलेक्ट कीजिए दोस्तों, दूसरा भी सेम ऐसा ही करने का दोस्तों, सेम ऐसा ही जो पोजीशन है दोस्तों, सेम ऐसा ही करने का, यहाँ पे क्लिक करने का दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐसा करके इसको भी सेम पे इधर ऐसा क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आने का, और सेम इसको भी मैंने इसको ऐसा उल्टा घुमा देता हूँ दोस्तों, थोड़ा बड़ा करके, क्योंकि थोड़ा बड़ा करके मैं दोस्तों इसको ऐसा घुमा देता हूँ दोस्तों, ऐसा घुमा देता हूँ दोस्तों, ऐसा घुमा देता हूँ दोस्तों। मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया दोस्तों। और दोस्तों अभी अपना बारी है चश्मा का दोस्तों। अभी चश्मा को भी मैंने इसको लेयर पे क्लिक कर दिया दोस्तों। क्लिक करने के बाद इसको भी सेम ऐसा ही करने का दोस्तों, ऐसा करके दोस्तों यहाँ पे प्लस आइकन पे दबा दीजिए दोस्तों। और उसके बाद आप इसको कहाँ से लाना चाहते हो वहाँ से लगा दीजिए दोस्तों। मैं इसको अभी ऊपर से लाऊंगा दोस्तों, थोड़ा बड़ा करके दोस्तों। मैंने इसको ऐसा ऐसा करके लाता हूँ दोस्तों, यहाँ से कोने से लाता हूँ इसको, और थोड़ा इसको भी मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया दोस्तों। और अभी देखते हैं हम लोग का काम कंप्लीट हो गया दोस्तों। देखिए अभी देख तीनों चीज़ें अपने को जगह पे आ गया दोस्तों। और एक चीज़ है दोस्तों यहाँ पे, और एक चीज़ लेयर पे जाता हूँ दोस्तों, लेयर पे जाके मीडिया पे जाता हूँ दोस्तों। और कोई सा भी बैकग्राउंड आप यहाँ से वाइट वाला सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, सिलेक्ट कर लीजिए, मैंने सिलेक्ट कर दिया है दोस्तों। और उसके बाद इसको स्प्लिट स्क्रीन पे करके इसको ऐसा कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसा करने के बाद इन एनिमेशन में जाने का दोस्तों, और फ्लैट पे ऐसा करने का दोस्तों, थोड़ा सा इसको ऐसा करने का, मैंने 1/5 पे कर दिया दोस्तों। और उसके बाद आउट एनिमेशन में जाके सेम ऐसा ही करने का दोस्तों। और उसके बाद मेन चीज़ इसको थोड़ा क्या करना है दोस्तों, थोड़ा ब्लेंडिंग करना है दोस्तों, दोस्तों क्या करना है, थोड़ा ब्लेंडिंग करना है दोस्तों। इसको मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग पे करके दोस्तों ओवरले पे क्लिक कर देने का दोस्तों। तो अभी काम कंप्लीट हो गया दोस्तों, अभी चला के देखते हैं दोस्तों कैसा होता है। तो देखिए ऐसा हो गया कंप्लीट दोस्तों। इसको थोड़ा सा आगे लाता हूँ, थोड़ा ऐसा लगा देता हूँ दोस्तों। देखिए अभी काम कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप लोग भी सिंपल तरीके से ऐसा ही दोस्तों बना सकते हो।